भाई ने परिजनों के साथ लाठी डंडों से उतारा मौत के घाट। जमीन बेचने को लेकर रचा षड्यंत्र। पुराने घर से ईंट उठाने पर मृतक ने किया था मना। चंद ईंटों के लिए भाई भतीजे व परिजनों ने एक राय होकर लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी। युवक की निर्मम हत्या होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्र के हवेलिया निवासी कलेक्टर सिंह व उनकी पत्नी नीलेश, पुत्र अंकित, विनय व पुत्री संगीता रविवार सुबह 10 बजे अपने पुराने मकान से ईंटें उठाने गए थे। वहीं हिस्सा बंटवारे को लेकर छोटे भाई जगबीर सिंह ने मना किया। इसी बात को लेकर कलेक्टर सिंह की पत्नी, पुत्र, पुत्री ने लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। विवाद सुनकर राकेश का पुत्र विवेक व उसकी माँ उमा बचाने आए, उन्हें धक्का देकर भगा दिया गया। विवाद में जगबीर सिंह के हत्यारे तब तक लाठी डंडों से प्रहार करते रहे जब तक युवक की मौत हो गई। हत्या के बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस तलाश करने में जुटी है। वहीं घटना पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच के नमूने लिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, सीओ सिटी अभय नारायण राय, थाना प्रभारी वेगराम कश्यप मौके पर पहुंच गए। मृतक दिल्ली में प्लम्बर का कार्य करता था। लॉकडाउन होने पर घर आया था। मृतक अपने हिस्से की जमीन बेचकर शिकोहाबाद में मकान बनाकर रहना चाहता था। वहीं 4 दिन पहले अपने हिस्से की जमीन बेचने के लिए की थी। मृतक शादीशुदा न होने के कारण आरोपी खेत हड़पने के चक्कर में थे। इसी से नाराज होकर परिजनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया।